जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर ओर चर्चा में है और दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि ये एयरपोर्ट ना सिर्फ भारत के अन्य एयरपोर्ट को टक्कर देगा बल्कि बनने के बाद ये एयरपोर्ट के दुनिया के सबसे बेहतर एयरपोर्ट में गिना जाएगा। ऐसे में आपको हम नोएडा एयरपोर्ट की सैर पर लेकर चलते हैं। नोएडा में बन रहा जेवर एयरपोर्ट कैसा होगा, इस एयरपोर्ट पर किस तरह की फैसिलिटी मिलेगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, जेवर एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचे, इसके लिए क्या खास इंतजाम है, इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए यात्रीगण कृपया आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। हम आपको लेकर चल रहे हैं सीधे जेवर एयरपोर्ट। यूपी की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली नोएडा लगातार विकास कर रही है। जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके विकास में चार चांद लगा रहा है। इस प्रोजेक्ट के बनने से यहां पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही यहां पर ये शहर सफलता की ओर एक और आगे कदम बढ़ाएगा। जी हां, जेवर में बन रहे ये एयरपोर्ट की वजह से नोएडा कैसा होगा, आपके मन में भी ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा। चलिए हम आज इन सभी बातों से पर्दा उठाते हैं और जेवर एयरपोर्ट की सैर पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचा जाए। क्या इसके लिए कोई खास व्यवस्था की गई है या फिर हजारों रुपए की टैक्सी करके यहां तक पहुंचा जाए, तो सुनिए। जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए तत्काल कई सड़कों से जोड़ा जा रहा है। दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए काम जल्द शुरू होगा। इसके अलावा नमो भारत ट्रेन के गाजियाबाद रूट से इसे जोड़ने की पूरी तैयारी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो से भी एयरपोर्ट जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ रैपिड रेल, पॉड टैक्सी, मोनो रेल और रेलवे लाइन जैसे प्रोजेक्ट भी जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं। आप रेल, मेट्रो, बस या फिर टैक्सी अपने बजट को ध्यान में रखते हुए लेकर यहां पर पहुंच सकते हैं। चलो अब आपको बताएं कि जैसे तैसे जेवर एयरपोर्ट तो पहुंच गए, अब आगे क्या। सोचिए आपकी फ्लाइट किसी कारणवश 4-5 घंटे तक देरी से है, तो क्या आप एयरपोर्ट पर बैठे बैठे बोर हो जाएंगे या फिर न्याल ने इसके लिए भी कुछ किया है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के यात्रियों को विश्व स्तरीय लाउंज के साथ खान पान की व्यवस्था मिलेगी। टर्मिनल के अंदर रेस्टोरेंट्स, कैफे, बार और खान पान की दुकानें होंगी। इसके अलावा यहां पर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ स्थानीय खान पान भी होगा। इसके लिए ट्रैवल फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। और अगर आप खा पी कर थक जाएं, तो एयरपोर्ट के अंदर बने स्पा का भी मजा ले सकते हैं। क्यों, है ना मजेदार दोस्तों। चलिए अब आपको एयरपोर्ट पर काफी इंतजार के बाद आपकी फ्लाइट भी मिल गई और आपका रास्ता भी मंगल रहा। अब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। अब आगे जेवर एयरपोर्ट पर चेक इन चेक आउट की व्यवस्था क्या होगी, ये प्रश्न भी आपके मन में आ रहा होगा। चलिए ये भी आपको बता देते हैं। सीमेंस वेरियोट्रे बैगेज हैंडलिंग के जरिए इस प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। विश्व के कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये सुविधा यात्रियों को दी गई है। इस प्रोसेस के तहत बैग आने की गति 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। दोस्तों अब आप अपनी सीट बेल्ट खोल लीजिए, आपकी यात्रा सुगम रही। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये सफर कैसा लगा। बाकी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारा पेज आज का नोएडा।